Jahin children, today we will know about the new chapter and the topic is our houses and clothes. Now we will learn about today types of houses, temporary and permanent houses, clothes we wear. Now here are some recall questions. Why do we need homes? Hamein homes ki zarurat kyun hoti hai? Have you ever been to the mountains? To the house there look different from the houses in cities. क्या आप कभी माउंटेन गए हैं और आपने देखा है कि वहाँ जो houses होते हैं वो cities से शहरों से कैसे अलग होते हैं? Do you wear different types of cloth in different seasons? क्या आप अलग अलग season में अलग type के कपड़े पहनते हैं? So now let's start. Types of houses. We need a house to live in. A house protects us from heat, cold, rain and wind. तो हम सभी कहाँ रहते हैं? House में रहते हैं. हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. एक घर जो है वो हमें protect करता है heat से, cold से, rain से and wind से. Houses can be made of many things such as bricks, cement, stones, wood, mud, and so on. और एक घर जो है वो बहुत सारे थिंग वस्तुओं से बना होता है, चाहे वो ब्रिक्स हो, सीमेंट हो, स्टोन्स हो, वुड हो, मड एंड सो ऑन. तो हाउसेस आप लोगों ने भी अपने सराउंडिंग बहुत सारे देखे होंगे जो अलग अलग मटेरियल से बने होंगे. कुछ हाउसेस पक्का होंगे, कुछ कच्चा होंगे. डिफरेंट हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स. और आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग घरों के रूफ जो हैं वो अलग अलग होते हैं. रूफ्स मे बी फ्लैट और स्लोपिंग. तो रूफ्स फ्लैट भी हो सकते हैं और स्लोपिंग. फ्लैट समतल, स्लोपिंग हॉरिजॉन्टली. पीपल लिविंग ऑन माउंटेन्स एंड प्लेस वेयर इट रेन्स अ लॉट हैव हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ सो दैट रेन और स्नो कैन ईजली फॉल ऑफ फ्रॉम द रूफ्स. तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वैसे प्लेस में जो है स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है, क्योंकि जब वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर स्नो गिरता है तो वो आसानी से नीचे आ सके. हाउसेस दैट आर मेड यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. हाउसेस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. तो जो घर ब्रिक्स और सीमेंट से बनाया जाता है उसे हम लोग पक्का हाउसेस कहते हैं, और जो घर मड और स्ट्रॉ से बनाया जाता है उसे हम लोग कच्चा हाउसेस कहते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर, कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस. पीपल लिविंग इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक हाउसेस ऑन पोल्स और स्टिक्स कॉल्ड स्टिल्ट्स. वैसे एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ के घर बने होते हैं स्टिक्स या पोल्स पे, जिसे हम लोग स्टिल्ट्स कहते हैं. दे कीप द हाउसेस सेफ फ्रॉम वाटर, सच हाउसेस आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस. नाउ लुक एट पिक्चर, दिस हाउसेस इज कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस. और ये हाउसेस बनाया जाता है बारिश से बचने के लिए, मीन्स जब बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ नीचे पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से इस टाइप्स के घर बनाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, इन सम प्लेसेस इट स्नोज ऑल ईयर राउंड. पीपल इन सच प्लेसेस मेक हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज. तो जहाँ सालों भर बर्फ गिरता रहता है वहाँ पे किस टाइप के घर बनाए जाते हैं? इग्लू. नाउ लुक एट द पिक्चर, दिस पिक्चर इज इग्लू. तो इन इग्लू में जो है रहने वाले पीपल को हम लोग स्कीमोस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्प्ररी एंड परमानेंट हाउसेस. सम पीपल डू नॉट लीव एट वन प्लेस फॉर अ ईयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो कुछ लोग जो है लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं रहते हैं. दे कीप मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस. वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं. बिकॉज ऑफ दिस दे मेक हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड ईजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसलिए वो टेम्प्रोरी हाउसेस बनाते हैं ताकि उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आसानी हो.
आप लोगों ने बंजारे को देखा होगा, वो कभी भी अपना घर अस्थाई नहीं बनाते हैं, वो सालों भर क्या होता है अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं, तो वो टेम्प्रोरी हाउसेस बनाते हैं। सच हाउसेस कॉल्ड टेम्प्रोरी हाउसेस। तो ऐसे घरों को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी हाउसेस, जो ईजली एक जगह से दूसरे जगह उसको मूव किया जा सके। एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्प्रोरी हाउसेज आर टेंट, हाउस बोट एंड कारावेन। नाउ लुक एट द पिक्चर, टेंट, कारावेन ज्वाइंट टू अ कार एंड हाउस बोट, दीज आर कॉल्ड टेम्प्रोरी हाउसेस। सम हाउसेस कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दीज आर कॉल्ड परमानेंट हाउस। और कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे घरों को हम लोग कहते हैं परमानेंट हाउस, अस्थाई घर। अ हट, अ बंगलो एंड एन अपार्टमेंट बिल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस। नाउ लुक एट द पिक्चर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउस, जिन घरों में हम लोग रहते हैं, जो हमारा अपना घर होता है बाय बर्थ, तो वो क्या कहलाता है, परमानेंट हाउस कहलाता है, जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स आंसर, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज, चूज फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको पिक्चर दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख कर आपको लिखना है हाउसेस का नाम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉथ्स वी वेयर, क्लॉथ्स जो हम लोग पहनते हैं। डिफरेंट पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, तो अलग अलग पीपल जो है वो अलग अलग टाइप के कपड़े भी पहनते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कॉल्ड, क्लॉथ्स क्या करता है, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हीट और कॉल्ड से। वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन, और हम लोग डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स पहनते हैं डिफरेंट सीजन में, अलग अलग सीज़न में हम लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, और अलग अलग स्टेट में भी जो है अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल होता है, जिसे हम लोग कॉस्ट्यूम कहते हैं। इन समर वी वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन, कॉटन क्लॉथ्स हेल्प अस स्टे कूल। गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, जो हमें क्या फील करवाता है, कूल। नाउ लुक एट द पिक्चर, सलवार कुर्ता फ्रॉक शर्ट शॉर्ट्स, दीज आर कॉटन क्लॉथ्स। इन विंटर वी वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल एंड सिल्क, सच क्लॉथ्स हेल्प अस स्टे वार्म। तो विंटर में ठंड के मौसम में हम लोग ऊनी और सिल्क के बने कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े क्या करते हैं, हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, स्वेटर कैप पैंट्स सॉक्स जैकेट्स ग्लव्स मफलर्स, दीज आर विंटर क्लॉथ्स। वी शुड ऑलवेज वियर की क्लीन क्लॉथ्स, हमें हमेशा कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स। नाउ योर लेसन इज कम्प्लीट।